नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुशदीप टेक्नो गाइड से। मैं सुखदेव जोशी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक छोटा सा, एक प्यारा सा गैजेट, और ये गैजेट है डिजिटेक कंपनी का। इससे दोस्तों, अगर आप कोई यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हो, या फिर आप कोई ब्लॉगिंग करते हो, या फिर टिकटॉक, या फिर कोई अन्य जो भी वीडियोज़ अगर आप बना रहे हो, तो इसके द्वारा आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। इसके अंदर क्या क्या फीचर है, क्या क्वालिटीज़ है, वो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, और साथ में ही इसकी हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं अपने इसकी अनबॉक्सिंग। और आइटम बहुत ही प्यारा है दोस्तों। आप शौक रखते हैं वीडियोस बनाने के, और आपको ज़्यादा देर हैंडलिंग करना पड़ता है, फ़ोन को पकड़ना पड़ता है, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आरामदारी होने वाली है, और आपके लिए बहुत ही सस्ते और अच्छे एक सॉलिड क्वालिटी के प्रोडक्ट हम लाते हैं। दोस्तों, अगर आप कंपनी की बात करेंगे तो ये डिजिटेक कंपनी का है। आज के टाइम के अंदर इसके जो प्रोडक्ट आते हैं, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट ही आपको देगी, जिस जो क्वालिटी है, एक बिल्ड क्वालिटी आपको मिलने वाली है। अगर बात करें फ्रेंड्स इस मॉडल की, तो ये मॉडल है DTR 200 MT मॉडल है दोस्तों। और इसके ऊपर जो, जैसे कि आप पिक के अंदर देख रहे हैं, ऊपर एक बॉल लगा है, तो ये बॉल ये काम ये करता है कि ये आपका जो ट्राइपॉड है, और ऊपर जो कैमरा लगा है, या आपने जो मोबाइल हैंडल किया है, उसको ये 360 डिग्री एंगल के अंदर मूव करेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके अंदर और जो फीचर है वो दिए गए। तो फ्रेंड्स, अगर इसके अपने बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो इस ये जो स्टैंड है, ये मैक्सिमम जो वेट उठा सकता है वो 1 किलो तक का वेट उठा सकता है। और जब इस अपने इसको एंगल पे रखते हैं, यानी कि ट्राइपॉड को ओपन करते हैं, तब इसकी जो मैक्सिमम जो लेंथ जाती है वो 200 mm तक जाती है। और ये आगे की जो खासियत है वो भी आपको हम धीरे धीरे बताते जाएंगे। और अगर बात करें कि इसका वेट कितना है, तो जो ये स्टैंड है, इसका कुल वेट 141 ग्राम का है, और ये जो हाइट इसका जो बढ़ता है, वो 2 सेशन के अंदर इसकी हाइट बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर ये बॉल भी दिया गया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 360 डिग्री एंगल के अंदर घूम जाता है। इसके अलावा इसके अंदर 5 सेगमेंट दिया हुआ है कि आपको कौन सा स्टेप क्लोज करना है, जितनी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से इसको आप क्लोज कर सकते हैं। और इसके जो पैर है, पैरों के अंदर जो रबर दिया हुआ है, वो भी एक अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है, और साथ में एक ट्राइपॉड बेस दिया हुआ है, तो उस पर आप इसको इजी तरीके से स्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको अपने खोल के चेक करते हैं। कुछ पैकिंग इस तरीके से आएगी। इसके अंदर ये एक मोबाइल होल्डर है, जिसके अंदर आप मोबाइल या कैमरा या कुछ वो लगा के आप छोड़ सकते हो। आइटम पैकिंग है दोस्तों, और इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही शानदार क्वालिटी है। स्प्रिंग भी बहुत अच्छा है, कैपेसिटी अच्छी है फ्रेंड्स इसकी। अब अगर अपने बात करते हैं इसके अंदर जो आइटम है ट्राइपॉड की, दोस्तों ट्राइपॉड थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये एक प्रकार से छोटा सा आइटम है, और जिसको अपने बोलते हैं मिनी पॉड। दोस्तों, ये इसका फर्स्ट लुक है जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको अगर आप देखते हो तो बहुत ही शानदार लुक है। हैंडल नीचे से इस तरीके से बनाया गया है कि इसको अपने इजी तरीके से पकड़ कर कोई ब्लॉगिंग अगर अपने को करनी है तो अपने कर सकते हैं। यहाँ इसके दो, ये इसको कसने के दो तरीके से दिए गए। आप इस तरीके से भी इसको यहाँ लगा सकते हैं, और यहाँ भी इसको आप इसको हैंडल को कस सकते हैं। तो इस तरीके से ये अपने कर देते हैं इसको बंद, और अब इसका अपने करते हैं ओपन। इस तरीके से ये तीनों इसके पैर है, ये ओपन हो जाएंगे फ्रेंड्स।
ये आप कहीं अगर बैठकर सामने अगर शूटिंग करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से इसको आप रखेंगे तो बहुत ही शानदार और एक अच्छा बेस प्रदान करेगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ अगर आप कोई मोबाइल जैसे अटैच करते हैं तो वो मोबाइल अटैच करने के बाद आप इसको 360 एंगल के अंदर रोटेट कर सकते हैं और यहाँ एक स्क्रू दिया हुआ है उसको आप कम ज़्यादा टाइट अगर करना चाहते हो तो इसको यहाँ से अपने कर सकते हैं। यहाँ एक बॉल के अंदर कट दिया गया है वहाँ से आप इसको नीचे भी कर सकते हो और यहाँ से थोड़ा लूज करने के बाद में अगर मोबाइल को आप इस तरीके से घुमाना चाह रहे हैं तो ये घूम जाएगा और जिस एंगल पे आपको रखना होता है वो एंगल पे रखे उसके बाद यहाँ से आप इसको टाइट कर देंगे तो उस एंगल पे ये टिका रहेगा। अब अगर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये लेंथ कैसे काम करता है। यहाँ से इस बटन को इस तरीके से आप दबाएंगी, ऐसे आप दबाते हैं तो ये देखिए यहाँ जो सेशन बना वहाँ जाके ऑटोमेटिक ये लॉक हो रहा है। ये 5 सेशन जैसे आपको पहले बताए थे ये देखिए इस तरीके से इसको बटन को दबाएंगे और ये अपने तीनों इसके पैर ओपन हो जाते हैं। इस तरीके से इसकी थोड़ी लेंथ और बढ़ जाती है। इसके अलावा आप इस एंगल पर भी इसको आप क्लोज कर सकते हैं, इस साइड पे भी ये रह जाएगा फ्रेंड्स। इसके जो पैर की ग्रिप है वो प्योर प्लास्टिक की ग्रिप है, बहुत ही सॉफ्ट है और ये जहाँ आप इसको रखते हो मिनी पॉड को तो वहाँ ये बहुत ही अच्छी अपनी ग्रिप बना लेता है। तो फ्रेंड्स ये मिनी पॉड आपको कैसा लगा इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इसके अलावा अगर ये प्रोडक्ट आपको परचेज करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और फ्रेंड्स साथ में इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि हम ये वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो आपका सपोर्ट है वो ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब आप देख रहे हो कि ये जो आइटम जो भी आप देख रहे हो अभी हम अपने खुद के अरेंजमेंट पैसे करके और उसके बाद में मंगवाते हैं तो आप सोच सकते हो कि हमें हाल फिलहाल कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी का सहयोग रहा तो हम और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।